हेलो जी, आज हम आए हैं हैबिट और मार्केट देखने के वो लिए, यहीं पे तो तो मार्केट चलते करनी हैं। है ना, फिर वहां अंदर भी जाए थोड़ा करने में। और सेंटेड कैंडल्स काफ़ी अच्छी थी तो सोचा कि एक ले लिया जाए। क्वेश्चन कवर, दीज आर दी क्वेश्चन कवर्स ना। छोटी वाली ले लो। हाँ छोटी वाली लेते हैं। हाँ क्या, हाउ मच इज कॉस्ट? 17 रुपीज। विच वन? 9,900। ये प्लांटर्स काफ़ी खूबसूरत थे और अच्छा, थ्री कलर में अवेलेबल थे तो ये अच्छा। काफ़ी अच्छे लगे। और एक ये वाला भी अवेलेबल था और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ ऊपर ये सेपरेट था जो फ्लावर्स थे। रेड जो है ना वो बहुत लाइट अगर आपके हों। इस पर लगी ये बाथ टब था लेकिन बहुत बड़े वॉशरूम के लिए होगा ये। जिसका बड़ा वॉशरूम हो वो ले सकता है। तो सेल अभी अभी ख़त्म हो गई थी इस वजह से जो है वो फुल प्राइस की चीज़ें मिल रही थी। अभी मैंने पूछा इनसे तो बोल रहे हैं लास्ट वीक आई थिंक के सेल ऑफ हुई है, ख़त्म हुई है, तो अब दोबारा से लगेगी तो फिर थोड़ी सी रिड्यूस होंगी प्राइसेस। अच्छा, बॉटल्स अवेलेबल थी जो कि मुझे चाहिए थी अपने लिए। स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स भी इनके पास न्यू आई हुई थी, न्यू अराइवल में। और इसके अलावा प्लास्टिक की बॉटल्स भी आई हुई थी तो काफ़ी रेंज थी इनके पास, अच्छी थी और रिजनेबल प्राइस थे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी। क्योंकि आप बॉटल लेते हो तो काफ़ी अर्से तक चलती भी है आपकी। गुड़ी यहाँ पर रखे हैं प्लांटर, डेकोरेशन पीसेस की बहुत ज़्यादा रेंज अवेलेबल थी हैबिट के अंदर और काफ़ी खूबसूरत थे। सो इफ़ यू विल विजिट तो फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको अगर डेकोरेशन पीसेस रिक्वायर्ड हो। और ये भी डेकोरेशन पीसेस थे, अंडा भी ले सकते दिस अंडा, और ये रीजनेबल प्राइस में थे, इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, 750 के अराउंड थे। अच्छा, इसके बिल्कुल एडजस्टेड में अंदर से ही इनका डोर था जो कि मार्केट की तरफ ओपन होता था तो यहाँ हम चले गए हैं। रेड ज़्यादा अच्छा, पिंक, दीज आर पिंक्स। गुरु, दे हैव नॉट मेंशन्ड द प्राइस हियर। स्किन केयर से लेके हेयर कलर तक एवरीथिंग अवेलेबल इन द मार्केट। और इसके अलावा ग्रॉसरी भी अवेलेबल थी, यहाँ पे बेकरी भी थी एक तरह की जहाँ पे आपको केक्स वगैरह मिल जाएंगे, पेस्ट्रीज मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल एट DTP सुल्तान रोड मार्केट। तो क्लींजर अवेलेबल थे, ओले का क्लींजर अवेलेबल था तो ये ले लेते हैं। मेरे पर रखा
डिटॉक्स वाला लॉरियल ये। अच्छा ये तो नहीं, ये तो नहीं आया है, ये सिल्वर शैम्पू चाहिए। लॉरियल का फ्रिज फ्री मास्क, और ये काफ़ी अच्छा है अगर बहुत ज़्यादा आपको फ्रिजी आपके हेयर है और ड्राई है, तो ये वाला जो पर्पल कलर का मास्क है ये बहुत बेस्ट है। बहुत रेंज है वैसे यहाँ पे ना, तो मैं भी इंशाल्लाह यही ट्राई करूँगी। प्रीवियसली मैंने एक दो बार यूज किया हुआ है लेकिन अभी ख़त्म हो गया था राइट नाउ, अभी मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ, पहले वो ख़त्म हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह कि मेरे यही परचेज करना है, क्योंकि मुझे सलून में भी एक एडवाइस किया था ब्यूटिशियन ने कि आप जो है ना ये वाला यूज़ करें, क्योंकि मेरे हेयर टेक्सचर ही ऐसा है कि मुझे ये वाला मास्क सूट करेगा। For all blonde shaded hair type, XXC silver shimmer lightens blonde, grey and white hair. Vibrant results use daily. Straight. ये अच्छा लग रहा है। Keratin classes conditioner for smooth, straight, sleek hair. पर्पल कंडीशनर और काफ़ी रेंज अवेलेबल थी इम्पोर्टेड और लोकल आइटम्स की यहाँ पे, हेयर मास्क की, हेयर ऑयल की और हेयर कंडीशनर की, तो काफ़ी अच्छे हैं। तो आपका विज़िट अगर हो यहाँ पे तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए वैरायटी है और अच्छी खासी ब्रांड एक्सटेंशन अवेलेबल है इफ़ यू विल रिक्वायर्ड इट। कंडीशनर सलून, ये अच्छा लग रहा है, आई थिंक आई शुड टेक दिस। छोटे पैकेट में देखो, हल्दी 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 ये री हल्दी, इनका तो चीज़ गिर। टोमेटो केचप है और 230 का ये क्या है, अहमद फूड्स मिंट सॉस। दनीसा बटर कुक, जौ का दलिया नहीं है, सेकंडों में खा जाते। कहाँ पे गुड़िया, अबे कहाँ जाना है इसे? डंकिन डोनट्स एंड दे आर ओपन। अब कहाँ जाना है बता दो मुझे, मैं थक रही हूँ निकलते ही, मैं थक रही हूँ। चले जी, हैबिट तो देख लिया है और मार्केट भी देख ली है, अब हम जा रहे हैं आगे और आपको भी दिखाते हैं हैबिट की बैक साइड। और गालिब है इसके ऊपर अपस्टेयर्स, तो फर्स्ट टाइम आई एम हेयर तो मुझे इतना पता नहीं है सीधी बात, तो लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। चाय चैट, सो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं खाने के, लाइक एक बाज़ार है बट ये खाने का नहीं है, ये तो शॉपिंग का है। ये फ्राइट है, बिरयानी सेक्शन है, तो अच्छी बात यह है कि आज खाली पड़ा हुआ है क्योंकि आज है वीक डे, वरना वीकेंड पे तो एक भी चेयर यहाँ।
ओके द एम्बियंस इज गुड एंड इट्स आउटडोर सेटअप. सर पे ही फैन लगा हुआ है इस वजह से आवाज डिस्टॉर्ट होगी, लेकिन क्या करें, बैठ गई हूँ मैं क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ. तो जी यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फॉर नोटिफिकेशंस. और थैंक यू सो मच. लव यू. टेक केयर.